तो दोस्तों आपको जैसे पता है आजकल बरसात आ गई है और बरसात में गाड़ियाँ स्प्लेंडर पैशन बिल्कुल बंद हो जाती हैं, चलते चलते पानी में अंडरपास में कहीं भी निकालते हो तो बंद हो जाती है। किस वजह से वो बंद होती है और क्या रीज़न उसका बंद होने का होता है वो मैं आपको बताऊँगा, और आप खुद ही इसे घर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बरसात में कहीं पर भी आपकी गाड़ी बंद होने की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उसमें किस वजह से बंद होती है वो और बंद होने से कैसे बचाना है वो आपको मैं दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों ये है पैशन, और बरसात में जो सबसे ज़्यादा बंद होती है गाड़ी वो पैशन और स्प्लेंडर होती है, क्योंकि इनका लेटा हुआ इंजन होता है, पिलक जो है इसका नीचे होता है, अडेप्टर पिलक अडेप्टर नीचे होता है, और जो दूसरी गाड़ी होती है उनका खड़ा इंजन होता है, तो उस वजह से वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता। और ये क्या होता है, यहाँ से बारिश से होते हुए देखो इसे होते हुए इसमें पानी चला जाता है पिलक अडेप्टर में, जैसे कि देखो अब भी गया हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें अब भी पानी है, तो इस वजह से ये गाड़ी बंद हो जाती है चलते चलते। आप अंडरपास में निकालो पानी भर जाता है कई दफ़े, तो उसमें गाड़ी कई बार चली जाती है तो बंद हो जाती है, तो बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, सबसे पहले इसका प्लग खोलेंगे और प्लग में भी हल्का सी टेप लगाएंगे और फिर इसको यहाँ पे टेप लगाएंगे, बस यही इसमें काम है। लगाने किस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो बने रहिए। तो सबसे पहले इसका प्लग खोल लेते हैं, तो ये प्लग है दोस्तों, इस पर यहाँ पे टेप लगानी है। इसमें टेप लगाने का क्या फायदा है, अगर ये गिल हो जाता है तो ये इसमें लोहे से टकरा के ना चिटचिट चिटचिट बोलता है, तो मैं इसमें टेप लगाऊंगा इस तरीके से। आपकी गाड़ी कभी भी बंद नहीं होगी बरसात में, तो ये कोई ऐसा तरीका नहीं है ना, ये जुगाड़ है। बस ये क्या करता है, जब इस पर पानी जाएगा तो ये टेप पे पानी रिपट जाएगा, इसमें वो नहीं होगा, ये पत्थर गिल नहीं होगा प्लग का। तो इस तरीके से इस पर टेप लगानी है बस, और फिर इसे लगा देंगे वापसी, और इसको कुछ काम नहीं है, इसी वजह से खोला था टेप लगाने के लिए, इसे लगा देते हैं वापसी। प्लग लगने के बाद फिर हम इस अडेप्टर को टेप से कवर करेंगे बिल्कुल, मैंने आपको दिखाया था यहाँ से पानी भरता है इसमें जैसे कि ऑलरेडी है, तो इस पर टेप लगाएंगे इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं इसमें कोई गुंजाइश है नहीं, यहाँ से पानी जाएगा बाहर गिर जाएगा, और थोड़ी सी चोंच यहाँ पे टेप की आगे बना देंगे इस तरीके से, आप देखना। इस तरीके से थोड़ी सी चोंच जो है इसकी बना देनी है, और जो हमने प्लग पर टेप लगाई है जब ये जो गाड़ी गर्म होगी चलेगी तो टेप इस पर चिप हो जाएगी प्रॉपर, तो इस तरीके से हमें इसे अडेप्टर थोड़ा सा टाइट जाएगा ये, लेकिन लगा देना। अब ये गाड़ी लग गई है, स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने स्टार्ट भी कर दी है। तो दोस्तों ये है तरीका बरसात से बचाने का, बरसात से कैसे गाड़ी को बचाना है वो मैंने आपको दिखाया है, इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को बरसात से बचा सकते हैं और धक्का लगाने से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी जानकारी मैं लेकर आता रहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत दीजिए।